बलूचों के इस ब्रिगेड से चीन और पाकिस्तान की सेना थर थर कांपती है। खुफिया एजेंसी भी इसके घात से घबराती है। बलूच विद्रोहियों में सबसे खूंखार है इस ब्रिगेड का वार, आत्मघाती है इस ब्रिगेड का हथियार। जी हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सबसे खतरनाक मजीद ब्रिगेड की। इसी मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हाल ही में हमला बोला था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारी हथियारों से लैस बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जबरन घुस गए और गोलीबारी की। 2 घंटे तक परिसर गोलीबारी और धमाकों से गूंजता रहा। ग्वादर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों पर ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बड़ा हमला था। हमले की जिम्मेदारी बीएलए की मजिद ब्रिगेड ने ली और 25 सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा भी किया। बता दें कि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान प्रांत का एक सबसे प्रमुख अलगाववादी समूह है। बीएलए की मजिद ब्रिगेड आर्मी का आत्मघाती दस्ता है। यह आत्मघाती दस्ता इतना खूंखार है कि चीन और पाकिस्तानी सेना भी इससे घबराती है। मजिद ब्रिगेड की बात करें तो बीएलए का आत्मघाती दस्ता मजिद ब्रिगेड 2011 से सक्रिय है। इसका नाम मजीद लेंगोव नाम के 2 भाइयों के नाम पर रखा गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के काफिले पर मजीद सीनियर ने हमला किया। मजीद सीनियर हाथ में ग्रेनेड फटने से मारा गया। मजीद जूनियर पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए मारा गया। इसके बाद बीएलए नेता असलम अचू ने आत्मघाती दस्ता स्थापित किया जिसका नाम मजीद रखा गया। पहला आत्मघाती हमला 30 दिसंबर 2011 को किया जिसमें आदिवासी नेता और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी शफीक मैंगल को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में चीनी इंजीनियरों की बस पर आत्मघाती हमला इसी ब्रिगेड ने किया। इसके साथ ही 2018 में कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर भी हमला हुआ। 2019 में ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में हमला किया गया। 2020 में कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स पर बलूच विद्रोहियों के हमले पिछले कुछ सालों से तेज हो गए हैं। बीएलए ने सबसे ज्यादा हमले ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाते हुए किए हैं। बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट अरब सागर को चीन से जोड़ता है जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का हिस्सा है। CPEC पाकिस्तान के लिए आर्थिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। मजीद ब्रिगेड के बढ़ते हमले बलूच विद्रोहियों की ताकत की ओर इशारा कर रहे हैं। इन हमलों का उद्देश्य बलूचिस्तान क्षेत्र में विदेशी निवेश को खत्म करना है। अब एक बार फिर मजीद ब्रिगेड ने आत्मघाती हमला करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सैन्य खुफिया एजेंसियों के कार्यालय को निशाना बनाया है। हमले में जहां 25 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों और कमांडो मारे गए हैं, वहीं मजीद ब्रिगेड के 8 सदस्यों की मौत की पुष्टि भी की जा रही है। इसके साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी भी दी है। अगर बलूचिस्तान क्षेत्र में विदेशी निवेश ऐसे ही बढ़ता रहा तो बीएलए की ओर से भविष्य में हमलों की आशंका है।